अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ब्राइडल कस्टमाइज बेस, जो हम अपने कस्टमर्स पर यूज़ करते हैं और आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है और हर कोई इसका रिव्यू दे रहा है और इसके बारे में बता रहा है आजकल। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये डिफरेंट नेम से जो है जानी जाती है बेस। इसे फाउंडेशन भी कह सकते हैं, बीबी क्रीम भी कह सकते हैं, सीसी क्रीम भी कह सकते हैं। जो कस्टमर पर यूज़ की जाती है वो बेस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो एक फाउंडेशन में होती है, जो इजीली जो है हम ब्रश से जो है ईजीली जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इजी मेथड के साथ आप स्पंज से भी कर सकते हैं, फिर फिंगर टिप की मदद से भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये कुछ देखने को मिलने वाला है। और आपको एक बात बता दूँ, ये जो बेस मैं आप लोगों के साथ फाउंडेशन शेयर करने वाली हूँ, जो पार्लर में जाहिर सी बात है पार्लर सीक्रेट है, तो काशिश भी अपनी ब्राइड में यही फाउंडेशन जो है वो बना लेते हैं और बाद में जो है वो एकदम से अपनी ब्राइड को रेडी कर देते हैं। आपने देखा होगा कि सांवली रंगत को वो किस तरीके से गोरा चिट्टा करके दिखाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। आप देख सकते हैं वो ये लोकल मार्केट से आपको मिलने वाले इंग्रीडियंट्स हैं और मैंने वही चीज़ें ली हैं जो आपको ईजिली किसी भी लोकल मार्केट से मिल जाएँ। तो ज़्यादा बातें किए बगैर ही वीडियो को कर लेते हैं जी शुरू। सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ मैक की एवरी जो है बेस पैनकेक जिसे हम बोलते हैं। इसका मैंने जो है रिव्यू दिया है और इसकी ओरिजिनल और फेक के बारे में बताया है। तो अभी जो है मैं थोड़ी सी आपको बना के जो है चेक करवाने वाली हूँ। तो इस तरीके से जो है मैक की मैंने इतनी सी जो है ले ली। अच्छा, मैं जो जो चीज़ें दिखा रही हूँ आपको ईजिली देख लेनी है। अच्छा जी, ये मैंने मैक की बेस ली है अभी। अच्छा, जो सीक्रेट बेस है मेरे पास, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट जो है मैं बनाऊंगी पार्लर सीक्रेट फाउंडेशन बेस, तो उसमें मैं शेयर करूंगी। अभी आप देख सकते हैं चार जो कलर है मेरे पास, तो इसमें जो है एक सांवली रंगत के लिए है, एक मीडियम यानी कि चार तरह की फेस पर ये अच्छे से वर्क कर सकती है इस तरीके से, और एक ये जो है मेरे पास है जी, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये सीक्रेट है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इनको साइड में रख लेते हैं। अच्छा, मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसमें जो है मैं क्रायलोन की जो है टीवी पेन स्टिक से बेस बना के आप लोगों को चेक करवाऊंगी। इसके बाद जो है हमें चाहिए जी पाउडर। तो पाउडर जो है आप कोई सा भी पैनकेक ले सकते हैं जो भी आपके पास बेस्ट है, जैसा कि इसका मैंने बताया हुआ है जी। ये मैं ले रही हूँ 25 नंबर, तो नंबर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कोई नंबर आप लोगों के साथ मैं ना शेयर कर पाऊँ तो मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी, काइंडली आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो इसके अलावा जो है मैंने काफ़ी अच्छी इमरजेंसी ब्राइडल बेस पर भी वीडियो बनाई हुई है, अभी आप देख सकते हैं। अच्छा, हमने सारी जो चीज़ें लेनी हैं उनकी मकदार जो है जो जो भी हमने चीज़ लेनी है यानी कि बेस लेनी है उसकी मकदार हमें सेम रखनी है, कम ज़्यादा नहीं करनी है, अपने अंदाजे के मुताबिक ही आप देख सकते हैं। अच्छा, ये मैंने यूज़ कर ली। उसके बाद जो है ले ली मैंने, इसके अंदर जो है हम लेंगे फाउंडेशन। अच्छा, फाउंडेशन आप जो भी आपकी स्किन पर बेस्ट वर्क करता है वो वाला फाउंडेशन आपने ले लेना है ईजीली। ये जो मैं बेस बनाने वाली हूँ ये है जी, आप इसे बीबी सीसी क्रीम की तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा यूज़ करना चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप कम करना चाहें यानी कि ये हाई कवरेज भी दे सकती है, आप अपने स्किन के मुताबिक जो है कवरेज ले सकते हैं। अगर आप ब्राइडल के लिए बना रहे हैं तो आप ब्राइडल के लिए ये देखें, आप जो है मकदार जो है मैं सेम ले रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको जो है फाउंडेशन और पैनकेक जो मैंने लिया है पाउडर उसकी मकदार जो है आपको सेम लेनी है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से जो है मैंने फाउंडेशन, क्योंकि उस तरीके से ज़्यादा आ जाती तो इस तरीके से मैंने ब्रश की मदद से ले ली है। ब्रश आप कोई सा भी ले सकते हैं ब्लेंडिंग के लिए। तो अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ जी प्राइमर। अच्छा, ये जो तीन चीज़ें हैं हमने यूज़ कर ली हैं, मैक और फाउंडेशन और पैनकेक पाउडर। तो अभी जो है मैं इट्यूड का जो है ले रही हूँ जी जेल प्राइमर। तो अभी प्राइमर आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको इतनी सी मकदार में जो है प्राइमर ले लेना है। अभी प्राइमर भी आप लोगों के सामने जो है मैं बना के चेक करवाऊँगी। अच्छा, एक मेन चीज़ आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आपने जो है, अगर आपकी स्किन है जी ड्राई, जिनकी स्किन ड्राई है वो लिक्विड शाइनर जो है इसमें ऐड करेंगे, और जिनकी स्किन है जी ऑयली वो पाउडर वाला शाइनर। शाइनर आप कोई सा भी ले सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास शाइनर है, ये भी आप बेस में यूज़ कर सकते हैं, और मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाइट वाला शाइनर। तो अभी मैं इसे भी इसी तरीके से ले लूँगी। अच्छा, तो इस तरीके से जितनी आपको शाइनी बेस चाहिए उस तरीके से जो है आपने शाइनर जो है इसमें डाल लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं। अच्छा, बेस बनाने के बाद भी आप इस तरीके से जो है शाइनर लगा सकते हैं। ये जो शाइनर है ये आप देख सकते हैं इस तरीके का होता है कुछ,
तो ये आप लगा सकते हैं बेस के बाद भी, अगर डालना चाहें तो इसमें भी डाल सकते हैं। इसका इधर से जो है ढक्कन उतर जाता है, तो इजीली आप डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जी, मैंने जो जो चीज़ें इसमें ऐड की है, आप इस तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, मिक्सिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक मैं आपको चीज़ बता दूं कि आपने जो प्राइमर यूज़ करना है, ये आप देख सकते हैं, जो प्राइमर यूज़ करना है वो होना चाहिए जी ऑयल फ्री, और अच्छा प्राइमर आपने लेना है। ये मैं आपको करीब से चेक करवा देती हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है जी ऑयल फ्री लॉन्ग लास्टिंग बेस प्राइमर। और ये देखें आपके स्किन पर ये किस टाइम जो है कितने टाइम यानी कि कितने घंटे के लिए वर्क करेगा। अब जो मैंने तमाम चीज़ें आप लोगों को दिखाई हैं कैमरे में, आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। अब आपकी सीसी क्रीम, फाउंडेशन और काशिश जो अपनी ब्राइड में बेस यूज़ करते हैं, वो जो है बेस आपकी एचडी बेस, वाटरप्रूफ बेस जो है वो तैयार हो चुकी है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। आप अब देख सकते हैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है आपको 15 या 20 मिनट के लिए इस बेस को ऐसे ही छोड़ देना है। फिर आपको जब ये बेस रेडी हो जाए, अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो जाए, उसके बाद जो है आप इसे सिंपली जो है अगर ब्रश की मदद से इस्तेमाल करना चाहें तो ब्रश की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर फाउंडेशन यानी कि स्पंज की मदद से करना चाहें, और अगर बीबी क्रीम और सीसी क्रीम के तौर पर भी करना चाहें तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको लगा के चेक करवाती हूँ जी। तो व्यूअर्स, अभी आप मेरे स्किन देख सकते हैं, मैंने ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है आपको इस तरीके से अपने फेस के ऊपर, अगर आप फिंगर की मदद से लगाना चाहें तो फिंगर की मदद से सिंपली इस तरीके से आपको ले लेनी है, और इसे आप सेव भी कर सकते हैं किसी छोटी सी डिब्बिया में डाल के। तो अभी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जो है हमारी बीबी क्रीम भी इसे कह सकते हैं जी, बीबी क्रीम के तौर पर अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो फिंगर की मदद से इस तरीके से लगा के पूरे फेस के ऊपर, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से, और कवरेज आप देखें तो इसकी, अगर आप ज़्यादा कवरेज करना चाहते हैं, ब्राइडल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आपको लगा लेनी है। और अगर आप जब ये फेस के ऊपर भी, तो मैं अपने हाथ पे जो है लगा के आपको चेक करवा रही हूँ, तो इस तरीके से आपको लगाने के बाद अगर आप फेस पर लगाएंगी तो आपको, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो अच्छा सा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर लेना है, और अगर ऑयली स्किन है तो ऑयल फ्री प्राइमर इस्तेमाल कर लेना है। अपनी स्किन को पहले तैयार करना है और फिर ही आपने जो है बेस यूज़ करनी है। तो अभी मैं फिंगर की मदद से कर रही हूँ, फिंगर की मदद से ये इतना अच्छा वर्क रहेगा कि आप कहेंगे कि वाकई हमें किसी ने कमाल की चीज़ बताई है। आपको कोई स्पंज और ब्रश इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप ब्राइडल पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप जो है स्पंज ले सकते हैं यानी कि ब्रश ले सकते हैं। तो अभी जो है आप देख सकते हैं जो मुकम्मल जो है मैंने आप लोगों के सामने लाइव करके सारा कुछ दिखाया है, तो आप बेस देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी कवरेज हो चुकी है। सो बहुत उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो क्रायलोन की, ये जो है मैंने बताई थी तमाम बेसें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, ये हैं जी लोकल मार्केट से आपको इजीली मिल जाएंगी, और इसे यूज़ करने का तरीका भी बेस्ट होगा। अब लड़कियों के क्वेश्चन ये होंगे कि हमारी स्किन पर ये जो बेस है ये डार्क हो जाती है, अच्छा क्या मसला होता है डार्क होने का। अब देखें कि ये जो मेरे पास सीक्रेट बेस है, इसमें जो है ये जो ऑरेंज वाली बेस है, ये वाइट फेस पर यानी कि जिनके फेस जो है वाइट होते हैं यानी कि अच्छे वाइट फेस पर जो है ये अच्छा वर्क करेगी। अब डिफरेंट टोन के जो है स्किन होती है, जैसा कि FH45 नंबर होता है, 1W होता है, 2W होता है, इस तरीके से आपको अपनी स्किन के मुताबिक बेस जो है देख लेना है कि स्किन हमारी किस तरह की है। अगर ऑयली स्किन है तो फिर जैसा कि मैंने बताया कि ऑयल फ्री आपको प्राइमर इसमें यूज़ कर लेना है, और अगर ड्राई स्किन है तो फिर आपको जो है इसमें नीविया का जो है मॉइस्चराइज़र, जो सॉफ्ट नीविया की मॉइस्चराइज़र क्रीम है, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके आप अपनी स्किन के मुताबिक ही अगर बेस बनाएंगे तो बेस्ट वर्क करेगी। अभी आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको जो है यूज़ करने का तरीका भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी जी क्रायलोन की टीवी पेन स्टिक, और जो महंगी महंगी यानी कि शेफर की बेस पाउडर जो है इसमें मिक्स करके, और फाउंडेशन जो अच्छे वाला फाउंडेशन है वो यूज़ करके। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसी पर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो खुदा हाफिज़। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें।